नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपको बोला गया है कि 6/7 और 7/8 इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर्स निकालना है, तो इसको जो आप किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी वक्त जाए करे शुरू करते हैं। तो इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स वेयर ए इज स्मॉलर देन बी या फिर बी इज ग्रेटर देन ए, देन डी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ ए एंड बी जो है दो रैशनल नंबर है, जहां पे बी जो है ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बी जो है ए से बड़ा है, देन डी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे डी का मतलब है डेविएशन, ए एंड बी जो है वो रैशनल नंबर है, और एन का यहाँ पे मतलब है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल्स। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल्स, ठीक है, यानी कि आपको कितना रैशनल चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन में बोला गया कि दो रैशनल नंबर के बीच में पांच रैशनल नंबर निकालिए, तो एन का वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर 6 बोला है तो 6 हो जाएगा, अगर 3 बोला है तो 3 हो जाएगा, ठीक है, अगर 2 बोला है तो 2 हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट बोला है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो डी का मतलब है डेविएशन, ए एंड बी यहाँ पे रैशनल नंबर है, और एन का मतलब है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल्स। ठीक है, ठीक है। तो अब पहला स्टेप में क्या कीजिएगा, आप यहाँ से जो है डी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप में करिएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल्स इक्वल्स टू, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल्स, ठीक है, ये हो जाएगा ए प्लस डी। ठीक है, कितना जितना आपको बोला गया उतना कीजिएगा। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ठीक है, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ठीक है, ए प्लस एन डी, या फिर ए प्लस जितना आपको बोला गया इनफाइनाइट डी। यानी कि आपको मान लीजिए जितना बोला गया है उतना बार जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D ऐसे कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको 5 बोला है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। मान लीजिए आपको 3 बोला है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। मान लीजिए आपको 7 बोला है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ए प्लस 7D, ठीक है। मान लीजिए 8 बोला है, तो यहाँ पे कॉल जोड़ दीजिए ए प्लस 8D। मतलब यही है कि जितना आपको निकालने बोला जाए उतना आप लिखिएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको जो है अभी एक क्वेश्चन से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको और अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे क्वेश्चन है, वही हम ले लेते हैं 6/7 और 7/8। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पहले तो ये चेक करना है कि क्या बी जो है ये ए हो गया और ये बी हो गया, क्या बी जो है ए से बड़ा है। तो उसके लिए आप, मैं जूनियर क्लासेस में सीखा होगा कि 6/7 = 7/8 कर देते हैं, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये 8 6 जा गया और ये 7 7 जा गया। ठीक है, 8 6 = 48 हो गया और 7 7 = 49 हो गया। हाँ, यानी कि 7/8 जो है वो 6/7 से बड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, 6/7 और 7/8 के बीच रैशनल निकालना था। मान लीजिए हमें 4 रैशनल्स निकालना है। ठीक है, 4 रैशनल्स निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी इक्वल्स टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, बी यहाँ पे कितना है, 7/8 माइनस 6/7,
एन यहाँ पे कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को चार बोला गया, फोर प्लस वन, ठीक है। यहां से एट और सेवन कैल्सियम 56 आ जाएगा, एट और सेवन कैल्सियम 56 आ जाएगा, ठीक है। एट का टेबल में 56 कितना, सेवन टाइम्स आता है, तो सेवन सेवन जब 49 माइनस सेवन का टेबल में 56 एट टाइम्स आता है, तो एट सिक्स 48, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1/56, ठीक है। 1/56 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 4 प्लस 1 भी था 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/56 इंटू 5, ठीक है। 56 इंटू 5 कितना हो गया, 6 × 30 = 280, तो ये आ गया 1/280, ठीक है। D का वैल्यू 1/280 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल्स, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, चार निकालना था ना, तो a प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड ए प्लस फोर डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ठीक है। ए का वैल्यू कितना था, 6 प्लस 7 प्लस, ठीक है। डी का वैल्यू हमारा कितना आया था, 1/280, ठीक है। फिर 6/7 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2/280, ये हो जाएगा ए सॉरी ये हो जाएगा 6/7 प्लस 3/280, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो और एंड 6/7 प्लस 4/280, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, एलसीएम लेके जो पांच चारों निकाल दीजिएगा और आपका जो आंसर है आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है जब आप कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में जो रैशनल निकाल सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको जो है ये वाला दो टेक्निक है, ठीक है, रैशनल नंबर निकालने का जो वो दो टेक्निक है। मान लीजिए कि अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया, जैसे कि बोल दिया जाए कि 5 निकालो, 6 निकालो, 2 निकालो, 2 नहीं 3 रैशनल निकालो, 4 रैशनल निकालो, तो अगर आपको कोई ज्यादा रैशनल निकालने बोल दे तब ये फॉर्मूला यूज करिएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक या फिर दो बोल दे तो आप एक और टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। यहाँ पे जो कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कोई भी रैशनल दीजिए, जैसे कि 4 और 3 के बीच में जो है रैशनल नंबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 / 2, 7/2 आ गया, ठीक है ना। तो 4 और 3 के बीच में एक आ गया 7/2, ठीक है। अब आप चाहे तो 4 और 7/2 के बीच में भी निकाल सकते हैं और 7/2 और 3 के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो 7/2 प्लस 3/1 / 2, ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 कैल्शियम 2, 7 + 6/2, 13/4, ठीक है। तो इस तरह से जो आप दो फॉर्मूला का यूज करके जो है दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो फिजिक्स का चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, थैंक यू।